हेलो स्टूडेंट्स कॉम्प्लेक्सोमेट्री टाइट्रेशन ऑफ निकल यानी कि आज हम निकल का कॉम्प्लेक्सोमेट्री टाइट्रेशन करेंगे उसमें ईडीटीए के साथ बैक टाइट्रेशन है यानि कि बैक टाइट्रेशन में हम निकल के सॉल्यूशन में एक्सेस अमाउंट में ईडीटीए सॉल्यूशन ऐड करेंगे और अनकंज्यूम ई का टाइट अमाउंट मैग्नीशियम क्लोराइड के साथ टाइट्रेशन से तय करेगी और उसके जरिए 25 फाइव एम निकल के सॉल्यूशन के साथ कंज्यूम हुए ईडीटीए का वॉल्यूम तय करेगी और बाद में उसके जरिए हम निकल का अमाउंट तय करेंगे एम टू डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ एन आई टू प्लस इन गिवन सोल्यूशन ऑफ निकल सल्फेट बाईडी टी ए बैक टाइट्रेशन कॉम्प्लेक्सोमेट्रीटाइट्रेशन यानी कि यहाँ दिए गए निकल प्लस टू के सॉल्यूशन में ई डी टी ए के साथ बैक टाइट्रेशन यानी कि कॉम्प्लेक्सोमेट्रीटाइटेशन से उसका अमाउंट तय करेंगे रिक्वायरमेंट है जीरो पॉइंट जीरो वन बोलर स्टैंडर्ड इडिटी सॉल्यूशन, 0.01 मोलर एप्रोक्स एम जि सी एल टू सिक्स एस टू सल्युशन स्टॉक सल्युशन ऑफ. एन आई टू प्लस बफर सल्युशन ऑफ टेन पी एच एंड इंडिकेटर इम ब्लैक टी प्रिपरेशन ऑफ स्टैंडर्ड जिरो पॉइंट जिरो वन बोलर इडी टी ए सल्युशन अफ टू फिफ्टी एम एल यहाँ टू फिफ्टी एम एल जीरो पॉइंट जीरो वन बोलर ई डी का सॉल्यूशन प्रिपेयर करने के लिए ई का कितना वेट करने पड़ पड़ेगा पड़े, पड़े, उसकी कैलकुलेशन करेंगे अगर ई डी का वन थाउजेंड एम एल वन बोलर ई डी बनाना है तो ई डी के मॉलिकुलर वेट जितना यानी कि थ्री सेवेंटी टू पॉइंट ट्वेंटी फाइव ग्राम वेट करना पड़ेगा और इसको पानी में डिजोल्व करके वन लीटर सॉल्यूशन बनाएंगे तो वो वन मोलर होगा अगर वन थाउजेंड एम एल ज़ीरो पॉइंट जीरो वन मोलर ई का सॉल्यूशन बनाना है तो यहाँ थ्री सेवेंटी टू पॉइंट ट्वेंटी फाइव डिवाइडेड बाय हंड्रेड यानि कि थ्री पॉइंट सेवन टू टू फाई ग्राम ई का वेट करेंगे और पानी में डिजोल्व करके वन लीटर डाइल्यूट करेंगे तो वो ज़ीरो मोलर होगा अगर 250 फिफ्टी एम एल ज़ीरो पॉइंट जीरो वन बोलर ई का सोल्यूशन बनाना है यानी कि वॉल्यूम फोर्थ पार्ट करना है यानि कि यहाँ वेट को फोर से डिवाइडेड करेंगे तो 3.7225 पॉइंट सेवन टू टू फाइव डिवाइडेड बाई फोर करेंगे तो वेट आएगा पॉइंट नाइन थ्री जीरो सिक्स ग्राम यानी कि ई का पॉइंट नाइन थ्री वन ग्राम वेट करके उसको पानी में डिजोल्व करके 250 फिफ्टी एम एल वॉल्यूम डिस्टिल वाटर से डायल्यूट करेंगे तो वो 0.01 पॉइंट जीरो वन डी का सॉल्यूशन होगा यानी कि यहाँ 250 फिफ्टी एम एल का सॉल्यूशन बनाने के लिए हमें पॉइंट नाइन थ्री वन ग्राम ई डी का वेट करके पानी में डिजोल्व करके उसको पानी से डायल्यूट करके 250 फिफ्टी एम बना सकते हैं रिएक्शन इक्वेशन यहाँ ई का डाईसोडियम सॉल्ट यहाँ निकल के 25 फाइव एम सॉल्यूशन में एक्सेस अमाउंट में और एक्जैक्ट वॉल्यूम में यानी कि 25 फाइव एम का सॉल्यूशन ऐड करेंगे तो उसका निकल के साथ कॉम्प्लेक्स बनेगा और एक्सेस अमाउंट में हमने ई का सॉल्यूशन ऐड किया है इसलिए जो अनयूजअप होगा अनकंज्यूम होगा वो मैग्नीशियम के साथ टाइट्रेशन के दौरान मैग्नीशियम के साथ कॉम्प्लेक्स बनाएगा यानी कि मैग्नीशियम ई कॉम्प्लेक्स बनेगा और बाद में यहाँ इंडिकेटर इरियोक्रोम ब्लैक टी हमने ऐड किया है उसका 10 पीएच पे कलर होगा ब्लू कलर और जब ब्यूरेट में से एक्सेस अमाउंट में मैग्नीशियम का सॉल्यूशन ऐड करेंगे तो वो ईडीटी के साथ कॉम्प्लेक्स बनाने के बाद इंडिकेटर इरियोक्रोम ब्लैक टी के साथ कॉम्प्लेक्स बनाता है और मैग्नेशियम इरियोक्रोम ब्लैक टी मैग्नेशियम इंडिकेटर कॉम्प्लेक्स बनेगा जो रेड कलर का है यानी कि एंड पॉइंट पे कलर चेंज होगा ब्लू टू रेड वाइन रेड ऑब्जर्वेशन सेक्शन वन में हम मैग्नीशियम क्लोराइड के सॉल्यूशन का स्टैंडर्डाइजेशन करेंगे उसकी एग्जैक्ट मोलारिटी तय करेंगे उसके लिए ब्यूरेट में 0.01 पॉइंट मोलर मैग्नीशियम क्लोराइड का सॉल्यूशन फिलअप करेंगे कॉनिकल फ्लास्ट में 25 फाइव एम एल मोलर एग्जैक्ट ई का सॉल्यूशन लेंगे उसमें टेन पी वाले बफर सॉल्यूशन के थ्री टू फोर एम ऐड करेंगे और इंडिकेटर इरियोक्रोम ब्लैक टी एड करेगी तब कलर चेंज कलर ब्लू कलर होगा और ब्रेड में से मैग्नीशियम क्लोराइड का सॉल्यूशन ऐड करने से एंड पॉइंट पे कलर चेंज ब्लू टू वाइन रेड होगा मैग्नीशियम क्लोराइड का स्टैंडर्डाइजेशन करने के लिए सबसे पहले 25 फाइव एम एल जीरो पॉइंट जीरो वन का सॉल्यूशन कॉनिकल फ्लास्क में लेंगे उसमें टेन पीएच वाले बफर सॉल्यूशन का ऐड करेंगे टू फोर ड्रॉप्स इंडिकेटर इर, इरियोक्रम ब्लैक टी एड करेंगे जिससे सॉल्यूशन ब्लू कलर का होगा बाद में मैग्नेशियम क्लोराइड के सॉल्यूशन के अगेंस्ट टाइट्रेशन करने से एंड पॉइंट पे कलर चेंज ब्लू टू रेड होगा कलर चेंज होने तक ब्यूरेट में से मैग्नीशियम क्लोराइड का सॉल्यूशन कॉनिकल फ्लास्क में ऐड करेंगे यहाँ कलर चेंज ब्लू टू रेड हो गया है और ब्यूरेट रीडिंग है ट्वेंटी फाइव एम ए टाइट्रेशन के दौरान हमें ब्रेड रीडिंग मिला है ट्वेंटी फाइव एम एल यानी कि ट्वेंटी फाइव एम एल ज़ीरो पॉइंट जीरो वन मोलर ई के लिए रिक्वायर है ट्वेंटी फाइव एम एल जीरो पॉइंट जीरो वन मोलर मैग्नीशियम क्लोराइड सॉल्यूशन एक्स मोलर मैग्नीशियम क्लोराइड सॉल्यूशन, एक्जैक्ट मोलारिटी ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड एम जी सी एल टू सिक्स एस टू की एक्जैक्ट मोलारिटी हम कैलकुलेट करेंगे उसके लिए एम वन वी वन बराबर एम टू वी टू सोल्यूशन इक्वेशन का यूज़ करेंगे एम वन वी वन एम जी सी एल टू सिक्स एस टू एंड एम टू वी टू ई डी टी ए की मोलारिटी एंड वॉल्यूम है क्लोराइड की मोलारिटी कैलकुलेट करेंगे इसलिए एम वन इज इक्वल टू एम टू वी टू अपॉन वी वन होगा एम टू ई डी टी ए की मोलारिटी है पॉइंट ज़ीरो वन और ई डी टी ए के हमने ट्वेंटी फाइव एम एल सोल्यूशन लिए यानी कि V2 होगा 25 और ब्यूरेट रीडिंग है 25 फाइव एम कि 25 फाइव एम एल ज़ीरो पॉइंट जीरो वन बोलर ई के लिए रिक्वायर है 25 फाइव एम एल मैग्नीशियम क्लोराइड सोल्यूशन और उससे M1 की वैल्यू मिलेगी 0.01 पॉइंट ज़ीरो वन बोलर ई डी टी कि द मोलारिटी ऑफ MgCl2 6H2O टू सिक्स एस टू ओ सॉल्यूशन इज जीरो पॉइंट जीरो वन मोलर यानी कि मैग्नीशियम क्लोराइड की मोलारिटी है जीरो पॉइंट जीरो वन मोलर ऑब्जर्वेशन सेक्शन टू सेक्शन टू में हम निकल का अमाउंट तय करेंगे उसके लिए ब्यूरेट में जीरो पॉइंट जीरो वन मोलर अप्रोक्स मैग्नीशियम क्लोराइड का सॉल्यूशन फिलअप करेंगे कॉनिकल फ्लास्क में ट्वेंटी फाइव एम एल डाइल्यूट निकल टू प्लस का सॉल्यूशन लेंगे उसमें ट्वेंटी फाइव एम एल ज़ीरो पॉइंट जीरो वन ई डी टी का सॉल्यूशन ऐड करेंगे टेन पी एच वाले बफर सॉल्यूशन के थ्री टू फोर एम एल ऐड करेंगे इंडिकेटर इरियोक्रॉम ब्लैक टी के थ्री टू फोर ड्रॉप्स ऐड करेंगे तब कलर ब्लू कलर होगा और मैग्नीशियम क्लोराइड के सॉल्यूशन के साथ टाइट्रेशन के दौरान कलर चेंज ब्लू टू वाइन होगा तो चलो हम लेबोरेट्री में जाएंगे और टाइट्रेशन द्वारा पीरियड रीडिंग तय करेंगे अब सेकंड सेक्शन में निकल का अमाउंट तय करने के लिए सबसे पहले 25 फाइव एम एल डायल्यूट निकल का सॉल्यूशन क्रॉनिकल फ्लास्क में लेंगे उसमें ट्वेंटी फाइव एम एल जीरो पॉइंट जीरो वन का सॉल्यूशन ऐड करेगी टू टू थ्री एम एल टेन पी एच वाला बफर सॉल्यूशन ऐड करेगी बफर सॉल्यूशन ऐड करने के बाद थ्री टू फोर ड्रॉप्स अब एग्जैक्ट रीडिंग तय करने के लिए 25 फाइव एम निकल का डाइल्यूट सॉल्यूशन लेंगे उसको कॉनिकल फ्लास्क में ऐड करेंगे उसमें 25 फाइव एम एल जीरो पॉइंट जीरो वन का सॉल्यूशन ऐड करेंगे बाद में टू टू थ्री एम एल टेन पी एच वाला बफर सॉल्यूशन ऐड करेगी थ्री टू फोर ड्रॉप इंडिकेटर इरियोक्रोम ब्लैक टी एड करेगी जिससे सॉल्यूशन ब्लू कलर का होगा बाद में मैग्नीशियम क्लोराइड के सामने टाइट्रेशन करेगी पायलो ट्रेडिंग 15 एम है इसलिए 14 एम तक हम मैग्नीशियम क्लोराइड ऐड करेंगे बाद में पॉइंट वन पॉइंट वन एम एल करके एक्सैक्ट रेडिंग तय करेंगे यहाँ कलर चेंज ब्लू टू रेड हो गया है और 14.7 पॉइंट सेवन यहाँ सेकंड सेक्शन में पायलट रीडिंग है फिफ्टीन एम और कांस्टेंट रीडिंग है फोर्टीन पॉइंट सेवन एम यानी कि ट्वेंटी फाइव एम निकल के सॉल्यूशन में जब ट्वेंटी फाइव एम एल का सॉल्यूशन ऐड करते हैं तब उसमें से कुछ ईडी का सॉल्यूशन निकल के साथ रिएक्शन में कंज्यूम होता है और कुछ वॉल्यूम अनकंज्यूम होता है यानी कि अनयूजअप होगा तो यहाँ अनकंज्यूम ई के लिए रिक्वायर मैग्नीशियम क्लोराइड का वॉल्यूम है फोर्टीन पॉइंट सेवन एम जबकि रिक्वायर वॉल्यूम ऑफ एक्स मोलर मैग्नीशियम क्लोराइड फॉर कंज्यूम वॉल्यूम ऑफ़ जीरो पॉइंट जीरो वन मोलर ई इन ट्वेंटी फाइव एम निकल सॉल्यूशन इज ट्वेंटी फाइव माइनस फोर्टीन पॉइंट सेवन इज इक्वल टू टेन पॉइंट थ्री एम एल यानी कि 25 फाइव एम निकल के सॉल्यूशन में 25 फाइव एम एल ज़ीरो ई का सॉल्यूशन ऐड करते हैं तो उसमें से जो कंज्यूम हुआ है उसका वॉल्यूम होगा 25 फाइव माइनस फोर्टीन क्योंकि 14.7 अनकंज़्यूम वॉल्यूम है यानी कि ट्वेंटी फाइव माइनस फोर्टीन पॉइंट सेवन इज इक्वल टू टेन पॉइंट थ्री एम एल वो कंज्यूम ई के लिए रिक्वायर मैग्नीशियम क्लोराइड का वॉल्यूम है कैलकुलेशन अमाउंट ऑफ एन आई टू प्लस इन गिवन सॉल्यूशन यहाँ इक्वेशन से हम कह सकते हैं कि अगर सैंपल में निकल के एटॉमिक वेट जितना वेट होगा तो वन मोलर ई के थाउजेंड एम एल के दौरान यूज होगे यानी कि थाउज़ेंड एम एल जीरो पॉइंट जीरो वन मोलर ई का यूज होता है तो सैंपल में जीरो पॉइंट फाइव एट सेवन वन ग्राम निकल होगा फैक्टर हम तय करें तो 1 एम एल जीरो पॉइंट जीरो वन मोलर ई का यूज होता है तो सॉल्यूशन में जीरो पॉइंट ज़ीरो फाइव एट सेवन वन ग्राम निकल होगा और टेन पॉइंट थ्री एम एल ज़ीरो पॉइंट ज़ीरो वन मोलर ई का यूज होता है तो जीरो पॉइंट त्रिपल जीरो फाइव एट सेवन वन इंटू टेन पॉइंट थ्री ग्राम निकल प्लस टू होगा यानी कि ट्वेंटी फाइव एम निकल के डाइल्यूट सॉल्यूशन में ज़ीरो पॉइंट डबल जीरो सिक्स ज़ीरो फाइव ग्राम निकल होगा और टू फिफ्टी एम डाइल्यूट सॉल्यूशन में होगा जीरो पॉइंट डबल जीरो सिक्स ज़ीरो फाइव इंटू टेन ग्राम निकल यानी कि ज़ीरो पॉइंट ज़ीरो सिक्स जीरो फ़ाइव ग्राम निकल टू फिफ्टी एम एल डायल्यूट में होगा यानी कि दिए गए निकल के सॉल्यूशन में निकल का अमाउंट ज़ीरो पॉइंट ज़ीरो सिक्स ज़ीरो फाइव होगा रिजल्ट रिक्वायर वॉल्यूम ऑफ जीरो पॉइंट जीरो वन बोलर फॉर ट्वेंटी फाइव एम ऑफ़ डाइल्यूट निकल सॉल्यूशन इज इक्वल टू टेन पॉइंट थ्री एम एल सेकंड द अमाउंट ऑफ एन आई टू प्लस इन गिवन सॉल्यूशन इज इक्वल टू जीरो पॉइंट जीरो सिक्स ज़ीरो फाइव ग्राम Thank you for watching.